हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अरबी नोवल। यह वीडियो सोलेंट 5 की नोवल पर बेस्ड पार्ट 80 है। तांगसन ने हाथों को हिलाते हुए पहाड़ी की दीवार पर अटैक किया होता है और वह किसी बटर की तरह कट जाती है। वह केव तो पूरी तरह से बन जाती है, लेकिन यदि हम मेई की तरफ से देखें तो मेई ने ऐसा डीमोन चेंज कभी नहीं देखा होता है, जबकि मेई गॉड लेवल पर है और तांगसन गॉड लेवल पर नहीं है। उसके बाद भी मेई इससे कांप रही होती है। अभी के समय तांगसन के लिए जो मेई की प्यारी फीलिंग्स होती हैं, वह एक ही पल में बदसूरत हो जाती हैं। इस समय तांगसन काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ अटैक और डिफेंस दोनों ही कर सकता है। तांगसन को भी इसके इतने अधिक पावरफुल होने की उम्मीद नहीं थी, जिससे वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आगे तांगसन वह अरे को अपने इसी चेंज के साथ बनाने लगता है, साथ ही वह मेई को भी बता रहा होता है और जल्दी ही यह भी तैयार हो जाता है। और जब यह दोनों ही दोबारा टेलीपोर्ट करते हैं तो एंसेस्ट्रल कोर्ट से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर ही रह जाते हैं। रात होने से यह दोनों ही सुबह तक का इंतजार करने वाले होते हैं। दूसरे दिन होने पर हर बार की तरह एंट्री लेते हैं। मेई को काफ़ी आसानी के साथ एंट्री मिल जाती है और उसके साथ तांगसन को भी। अब यह एंसेस्ट्रल कोर्ट में तो आ जाते हैं, लेकिन मेई पूछने लगती है अब हमें कहाँ जाना है। तब तांगसन ने व्हाइट टाइगर होटल पुरानी जगह का बताया होता है और जल्दी ही यह टेलीपोर्ट कर जाते हैं। यहाँ पर तांगसन का पिछली बार का टेलीपोर्टेशन अरे का सर्किल अभी भी बना हुआ होता है, क्योंकि एम्परर व्हाइट टाइगर मतलब मेई के ग्रैंडफा ने इसे खत्म नहीं किया होता है, बल्कि वह भी इस पर काफ़ी बारीकी से रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन टेलीपोर्टेशन के बाद मेई के सामने जो था, मेई को उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इनके टेलीपोर्टेशन के साथ सोफे पर एम्परर व्हाइट टाइगर बैठा होता है। मेई को यह देखते हुए सदमा सा लग जाता है, जिससे मेई जल्दी जल्दी में वो करती है। एम्परर तांगसन को देखते हुए कहता है म्यूटेटेड ब्लड लाइन। उसके बाद एम्परर ने मेई से बैठने को कहा होता है। पहले तो एम्परर मेई को धमका रहा होता है, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। वह भी सुकिन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। बाद में जब इनकी बातें आगे होती हैं तो वहीं डीब्रीफिंग की बात आती है, जिसके लिए एम्परर ने साफ साफ मना कर दिया होता है। मेई इसे पास कर ले यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैरी सिटी के साथ इंसानों की सिटी की बात भी अब फैल चुकी होती है। साथ ही मेई ह्यूमन ब्लड लाइन से है, लेकिन सॉल्यूशन के रूप में एम्परर ने मेई से ह्यूमन ब्लड लाइन को निकालने के लिए कहा होता है, जिसके लिए मेई ने साफ साफ मना कर दिया होता है। साथ ही एम्परर भी तांगसन के ऑरा से पहचान जाता है, यही सूरा है। आगे तांगसन एम्परर से उसके सपोर्ट के बदले वह उसे लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन अरे भी बनाना बता सकता है। यह तांगसन डीब्रीफिंग के सपोर्ट के बदले में एम्परर से डील करने की कोशिश करता है, लेकिन यह एम्परर के लिए काफ़ी नहीं होता है। लेकिन बातों ही बातों में तांगसन अपनी गोल्डन ब्लडलाइन को एम्परर के सामने शो करता है, जिससे मेई को लगता है अब तो तांगसन पिटने वाला है। हालांकि हुआ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन तांगसन ने एम्परर को एम्परर से भी कुछ पावरफुल होने के बारे में बताया होता है। उसके बाद वह जब इंटरेस्ट लेता है तो तांगसन इस प्लान के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी देता है, यहाँ तक कि तांगसन एम्परर को डिवाइन रिलम की भी कुछ जानकारी देता है, जो जानकारी एम्परर व्हाइट टाइगर को भी नहीं होती है। काफ़ी समय बाद एम्परर इन्हें डीब्रीफिंग में सपोर्ट देने के लिए मान जाता है। इसके साथ तांगसन यहां पर ऊपर के एम्परर के ही फ्लोर में एक नया टेलीपोर्टेशन अरे बनाता है, जिससे अगली बार यह सीधे ही इसी जगह आ जाएंगे। यहां पर इन्होंने एम्परर के पूछने के बाद उसका ट्रेनिंग रूम का भी यूज़ किया होता है, जिससे तांगसन का डिवाइन सेंस जो पूरी तरह से ख़त्म ही होने वाला होता है, वह भी पीक से ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद तांगसन का प्लान जगन्नाथ पैलेस में जाने का होता है, जिससे वह एम्परर स्वार्डसेंट से मिल सकता है। लेकिन यह सीधे ना जाकर हर बार की ही तरह माउंटेन को क्लिम्ब करते हुए जाते हैं। जल्दी ही यह दोनों ही माउंटेन को सक्सेसफुली क्लिम्ब कर लेते हैं और कुछ ही समय में एम्परर से मिल जाते हैं। वहाँ पर एम्परर तांगसन के लास्ट टाइम के कन्वर्सेशन से सूरा के रूप में पहचान हो जाती है, जैसे स्वार्ड क्या है वगैरह वगैरह। इस पैलेस में एंटर करने के साथ और एम्परर से मिलने के पहले तांगसन और मेई ने असुरा स्वार्ड सेंस का भी यूज़ किया होता है, और यही स्वार्ड सेंट की कमजोरी भी होती है,
वह बात करते हुए तांगसन से इस स्वॉर्ड के बारे में पूछते हैं, तो तांगसन इसे जजमेंट की स्वॉर्ड बताता है, जिससे वह एम्परर भी इस स्वॉर्ड की बॉडी को फ्यूचर में देखना चाहता है। आगे एम्परर तांगसन से पूछता है वह डार्क डीमोन एम्परर के अटैक से कैसे बच पाया होता है, लेकिन तांगसन ने इसका जवाब देने से मना कर दिया होता है। हालांकि एम्परर काफी मुश्किल के बाद असुरा स्वॉर्ड को देखने की लालसा में मेई को ड्रीविफिंग के लिए सपोर्ट देने पर मान गया होता है, लेकिन कुछ बात होती है जो मेई और तांगसन को दोनों ही एम्परर ने बताया होता है, जैसे कि यदि मेई फ्यूचर में एम्परर बनना चाहती है तो उसे किसी और एम्परर को मारने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह प्लान मात्र 16 ही एम्परर को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर दोनों ही एम्परर ने कहा होता है डिब्रीफिंग का रिजल्ट जो भी हो वह हमेशा ही इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर भी इन्होंने पूरे 7 दिन तक ट्रेनिंग की होती है, जिससे इन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ होता है। अब तांगसन तीसरे एम्परर के पास जाने वाला होता है। मेई को आने वाली डिब्रीफिंग बहुत ही कठिन लग रही होती है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता यह एक प्रकार से नामुमकिन ही है, और यह सब मेई 2 एम्परर से बात करने के बाद समझ चुकी होती है। तभी तांगसन ने मेई को कमर से पकड़ते हुए खींचने के साथ चिंता न करने के लिए कहा होता है, और इस तरह से यह अपनी होटल में आने के बाद ट्रेनिंग रूम का यूज करते हुए ट्रेनिंग करते हैं, और तांगसन मेई को छोड़ते हुए चला जाता है। और तांगसन की तैयारी होती है उसकी दूसरी सुपर ब्लडलाइन को डेवलप करने की। हालांकि ब्लू सिल्वर एम्परर 2nd क्लास की ब्लडलाइन होती है, जिससे तांगसन की यह सुपर ब्लडलाइन 2 से नहीं बल्कि यिन यांग से मिलने के बाद 3 ब्लडलाइन से मिलकर सुपर ब्लडलाइन बनेगी, जिससे अब तांगसन इनडिस्ट्रक्टेबल किंग कॉन्ग किंग के पास जाने वाला होता है। यह 7 घोस्ट क्लैन में 6 नंबर पर आता है, और यह भी अपनी डिफेंसिव एबिलिटी के कारण जाना जाता है। हाई लेवल पर पहुंचने पर ही इन्हें घायल किया जा सकता है, और यह जिनजिंग सेक्रेड माउंटेन की ओर जाता है। यह एंसेस्ट्रल कोर्ट से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। रिचेन एम्पायर तियान्यू एम्पायर के जैसे पावरफुल नहीं है, और कभी कभी लगता है डीमोन मिलकर घोष्ट को खत्म करने की सोच रहे होते हैं, और इस तरह से वह रिचेन एम्पायर को बुरी तरह से एक ना एक दिन सप्रेस कर सकते हैं। जल्दी ही तांगसन सेक्रेड माउंटेन के पास पहुंच जाता है, जो देखने में किसी गोल्डन माउंटेन के जैसा लग रहा होता है। चलते फिरते पेड़ दिखाई दे रहे होते हैं, जो काफी ज्यादा अजीब होता है। यदि कभी तांगसन के पास समय रहा तो वह रिचेन एम्पायर में जाकर खुद के लिए अपॉर्चुनिटी देखना चाहेगा। इसी के साथ तांगसन ने भी अपने ब्लू सिल्वर एम्परर को एक्टिव कर लिया होता है। तांगसन ने ब्लू सिल्वर एम्परर का यूज पहले कभी नहीं किया, जिससे उसे पहचाने जाने की कोई समस्या नहीं होती है, और इस तरह से तांगसन ने चढ़ाई शुरू कर दी होती है। लेकिन तांगसन ने वहां के ऑरा को एब्जॉर्व करना शुरू नहीं किया होता है, क्योंकि यह तांगसन को नुकसान भी दे सकता है। जैसे जैसे तांगसन ऊपर जा रहा होता है स्पीड कम होती जा रही होती है, जिसके बढ़े हुए प्रेशर से बचने के लिए तांगसन ने ब्लू सिल्वर एम्परर से शील्ड बनाई होती है। तभी कुछ अजीब सा दिखाई देता है। माउंटेन क्लिम कर रहे सभी डीमोन पावर हाउस से उनका कुछ एसेंस निकलते हुए तांगसन की ओर इकट्ठा होता है, जिससे तांगसन के चारों ओर ब्लू लाइट के साथ होलो दिखाई देता है, और वह प्रेशर तांगसन पर से खत्म होने लगता है। यह ब्लू सिल्वर डोमेन के जैसा होता है, जो कभी तांगसन के 2 डोमेन में से एक था। इस तरह से तांगसन काफी ज्यादा आसानी के साथ ऊपर चढ़ जाता है। उसी के साथ तांगसन को उसके सामने एक काफी मोटा ह्यूमनाइड फिगर दिखाई देता है। वह तांगसन से कहता है, यदि तुम गोल्डन पैलेस में एंटर करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे टेस्ट को पास करना होगा। उसके लिए तांगसन को उसके अटैक को पूरे 3 मिनट तक सहन करना होगा, या फिर उसके डिफेंस को ब्रेक करना होगा। उसके बोलने के साथ ही एक काफी बड़ी शील्ड उसके हाथों से बनती हुई जमीन पर गिर जाती है। यहाँ पर आने का तांगसन का मोटो ही बजरा एसेंस क्लैन के किसी पावर हाउस को चैलेंज करने का था, जिससे वह उसके ब्लड एसेंस को ले सके। और अब तांगसन उसे अपने सामने देखता है। यह एक किंग लेवल का पावर हाउस होता है। यह अपनी डिफेंसिव पावर के कारण काफी आसानी से हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पार कर लेते हैं, और वह बिना कुछ कहे तांगसन के सामने उसके अटैक के साथ पहुंच जाता है। तभी तांगसन की बॉडी से सैकड़ों वाइन निकलती हुई दिखाई देती हैं। उसी के साथ तांगसन दूर हो जाता है। तभी वह भी तांगसन का पीछा करता है,
और इस तरह से इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तांगसन ने पहले ब्लू सिल्वर एम्परर से केज बनाया होता है, उसके साथ ही तांगसन उसे आगे कुछ स्टेप्स में फंसा लेता है। यह तांगसन की ही एक ट्रिक होती है। तभी तांगसन के हाथों में टेलीपोर्टेशन डिस्क दिखाई देती है और अगले ही पल में तांगसन गायब हो जाता है। इसके साथ तांगसन ने अपनी जगह बदली होती है और जल्दी ही ओपोनेंट के पास पहुंच जाता है और इस तरह से तांगसन उसकी ब्लडलाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओपोनेंट को तो उसकी डिफेंसिव पावर पर भरोसा होता है, जिससे उसे ज्यादा डर नहीं होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी ब्लड पावर खत्म होने लगती है, जिससे वह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रोर करता है, जिससे उसकी ब्लड पावर भ्रष्ट होती है। अब तांगसन का काम तो हो चुका था, जिससे तांगसन कहता है, सीनियर आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, जिससे मैं फिर कभी आपसे गाइडेंस लेने आऊंगा। कहते हुए तांगसन भाग रहा होता है। जब ओपोनेंट ने तांगसन को देखा तो वह पहले ही माउंटेन के नीचे पहुंच चुका था। वह तांगसन को चिल्लाते हुए रोकना चाहता था, लेकिन रोक न सका। किंग कॉन्ग किंग हैरानी के साथ अपना सिर खुजला रहा होता है। वह भी तांगसन की एबिलिटी और म्यूटेटेड ब्लडलाइन से इम्प्रेस हो चुका था। और इस तरह से तांगसन होटल में लौट आता है और जाने के तुरंत बाद ही मेई को लेते हुए टेलीपोर्ट कर जाता है, जिससे यह तुरंत ही ब्लैक ड्रैगन सिटी के बाहरी इलाके उसी केव में दिखाई देते हैं, जहां यह लगभग एक घंटों तक खुद की पावर को रिकवर करते हैं। उसके बाद फिर से टेलीपोर्ट करते हैं, जिससे वह गोल्डन वैली में पहुंच जाते हैं। इस तरह से इन्होंने एक घंटे से कुछ ज्यादा के समय में एंसेस्ट्रल कोर्ट से आ जाते हैं, जो कि अब एक हिस्ट्री बन चुका होता है। इस तरह से इन्होंने 10 दिन की यात्रा में काफी कुछ पा लिया होता है। इसके बाद फिर मेई चली जाती है। वह कुछ दिनों के बाद कैरी सिटी के काम को देखने के साथ वापस आएगी। मेई के जाने के साथ तांगसन गोल्डन ट्री के नीचे आ जाता है, साथ ही जो अभी एंसेस्ट्रल कोर्ट में हुआ होता है तांगसन उसके बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि मेई की किस्मत उसके गॉड बनने के साथ ही आसमान छू जाती है, जिसमें तांगसन को एम्परर तियानियू का सबसे बड़ा हाथ लगता है। आगे तांगसन सोच रहा होता है, क्या इंसानों के लिए सिटी बनाने का काम जारी रखा जाए या खत्म किया जाए। तांगसन जो भी फैसला ले वह दोनों ही सही नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यदि वह सिटी बन भी जाती है तो तांगसन फ्यूचर में क्या उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा, और यदि काम रोकते हैं तो इंसानों में गुस्सा और असंतोष पनप जाएगा, जो आने वाली बड़ी समस्या भी होगी। इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए तांगसन ने किंग कॉन्ग ब्लड एसेंस, इसे ही इसकी डिफेंसिव पावर के कारण डायमंड एसेंस भी कहा जाता है, कि ब्लडलाइन को ब्लू सिल्वर एम्परर से फ्यूज करने वाला होता है। इसकी सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए तांगसन सभी मार्के की हेल्प लेता है, और जब यह फ्यूजन शुरू होता है तो तांगसन को लगता है उसकी बॉडी फ्रीज हो गई है। भले ही यह सबसे पावरफुल फर्स्ट क्लास ब्लडलाइन ना हो, लेकिन यह सबसे ज्यादा पावरफुल फर्स्ट क्लास डिफेंसिव ब्लडलाइन में से एक है, जिससे यह काफी ज्यादा बॉयलेंट हो जाती है। लेकिन एक बार जब यह कंप्लीट हो जाती है, तब तक ब्लू सिल्वर एम्परर काफी ज्यादा बदल जाता है। इसमें क्रिस्टलीय ऑरा होता है और इससे ब्लू सिल्वर एम्परर की बाइन भी कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाती है। वहीं तांगसन की बॉडी पहले से भी ज्यादा हार्ड हो जाती है। आगे तांगसन अपनी कल्टिवेशन को जारी रखता है। पलक झपकने के साथ एक महीना और निकल जाता है। इस तरह से तांगसन अपनी कल्टीवेशन को पीक पर पहुंचा रहा होता है। अब तक कैरी सिटी भी पहले के जैसे शांत हो चुकी होती है। इसी बीच तांगसन और मेई फिर से एंसेस्ट्रल कोर्ट गए, लेकिन केवल एम्परर व्हाइट टाइगर के ट्रेनिंग रूम को यूज करने के लिए। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.